तो हमारे हिसाब से मॉडल वही रहते हैं, मतलब एकदम फ्री माइंड के रहते हैं, एकदम मतलब किसी चीज़ का फिक्र नहीं रहता है उनको, हर चीज़ में मतलब खुद के जैसा नहीं, मतलब क्या रहता है ना, किसी का फिक्र नहीं रहता है, किसी का डर नहीं रहता उनको, इसको मॉडल बोलते हैं मेरे हिसाब से। माँ के साथ तो मैं बिल्कुल रही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा का डेथ के बाद मेरी माँ की शादी दूसरी जगह हो गई, तो फिर वहाँ से वापस नहीं आई, तो मैं नानी के ही साथ में थी। फिर बड़ी हुई तो नानी, मतलब तीसरी क्लास में थी ना, तो नाना, मेरे नाना का डेथ हुआ। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो नानी का, फिर उसके बाद शादी हो गई। मुझे आज के डेट में ना लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, मतलब मुझे क्या, मेरे हस्बैंड को भी लड़कियाँ ही पसंद है, और लड़कियाँ आई मेरे पास, बहुत खुशी हुई इस बात की। लेकिन जिस हिसाब से मतलब हमारा हौसला है कि इनको आगे पढ़ाएं, मतलब हमारी ख्वाहिश तो बहुत है कि इन लोग को पढ़ा लिखा के अच्छा, मतलब कोई कुछ भी, मतलब अच्छा जॉब करें ये लोग। और अभी मेरी बड़ी बेटी है, वो, उसको कभी भी पूछेंगे तो वो बोलती है मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनाऊँगी। आयशा हमारी बहुत अच्छी है, सीधी भी बहुत ज़्यादा है, और उसको जितना मैं बोलती हूँ उतना ही करती है, लेकिन मैं से भी सेम उसी उल्टी है। मैं से भी इनको जिस काम के लिए मैं मना करूँगी वही काम करेगी, वो वैसी है अभी तो फ़िलहाल, वैसी है, आगे चल के नहीं बता सकती। पढ़ने में भी आयशा अच्छी है और सुनती भी है बात। तुम्हें स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है? इंग्लिश। इंग्लिश और कुछ पसंद है? और मैथ्स। 6, 7, 8, 9, 10, 11। मम्मी के साथ पढ़ाई करती हूँ और पापा के साथ भी पढ़ाई करती हूँ। करना जो ना, जो वर्ड नहीं आएगा ना, पापा से पूछूंगी या मम्मी से पूछूंगी। आयशा की माँ को भी मैं उस टाइम से, मतलब जब मैंने ज्वाइंट हुआ था तब से मैं इसकी माँ से, सबसे पहले मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ तो उनके पेरेंट्स से ज़रूर मिलती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है ना, तो इसके लिए मैं भी इनसे माँ से मिली थी, तो उनकी माँ भी बहुत उससे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, और मैं भी अगर कुछ पढ़ाती हूँ तो मतलब घर पर आके उसको वापस से पढ़ाती हैं, और बार बार आके मतलब पूछती भी रहती है कि कैसा पढ़ रही है कैसा नहीं, और हर एक चीज़ बराबर मतलब पूछती रहती हैं। उनकी माँ बहुत हेल्प करती है इनकी पढ़ाई में। विद्या की तरफ से हमें थोड़ा सपोर्ट अगर मिलेगा तो हम वहाँ तक मतलब कर सकते हैं, अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उनकी ख्वाहिश थोड़ी आगे बढ़ सकती है।